अगर तुम में फीलिंग्स होती तो अब तुम मुझे हग करने वाली थी ना। हे, तुम एक बात जानती हो, हम सारी लड़कियों के लिए फर्स्ट बॉयफ्रेंड तुम ही हो। बिना बॉयफ्रेंड के हम रह सकते हैं, लेकिन तेरे बगैर तो लड़कियां एक घंटा भी नहीं रह सकती। यू क्यूट एंड नॉटी मिरर। बाय बाय। हेलो मामा जी। हाय नित्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा रिसर्च कैसे चल रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके नित्या, फुर्सत में रहूंगा तो तुमसे एक बार मिलूंगा। ओके मामा जी, टेक केयर, बाय। बाय। आपके मामा जी आपसे कितना प्यार करते हैं मैडम। मम्मी डैडी के प्लेन क्रैश में गुजर जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ मेरे मामा जी ही हैं। ठीक है, नाश्ता तैयार हो गया क्या? नहीं मैडम, लेट उठी है ना, लेट खाएंगे सोच के लेट बना रही हूँ। आजकल तुम काम कम और बातें ज्यादा कर रही हो, लेकिन आलसपन इंसान को होता है, भूख को नहीं। जल्दी रेडी करो। Hi, Meri Jaan. Where are you? Just land in Hyderabad. Really? Yeah. I will meet you in the evening. Thank you. See you, darling. See you. Bye. Bye-bye. Hi. Hi, yaar. Hi, yaar. अभी हाल ही में मैं एक कॉर्पोरेट एड कर रहा था, इसलिए तुम दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। तू तो हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहता है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता ना। वो भी कूल है यार, जब भी टाइम मिलता है नित्या और मैं मिलते ही रहते हैं। ओके,
सिर्फ टाइम पर मिलना काफी नहीं है यार, लाइफ टाइम मिलके रहने का प्लान नहीं कोई? वो तो वैसे भी होने वाला है यार, ऐसी बात नहीं है। इस प्यार के सफर को थोड़े दिन मुझे एंजॉय तो करने दो यार। देख सत्या, प्यार के सफर को अच्छा बनाने के लिए और उस सफर को खुशनुमा बनाने के लिए लाइफ वाली ट्रैक पर आना होगा। जस्ट प्लेटफॉर्म में रहने से कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे पता है यार, ऑलरेडी मैंने और नित्या ने इस मैटर के बारे में बात कर ली है, अब बस उसके मामा से ही बात करनी है। अब तो खुश है ना? ओके। अरे यार, हे, मुझे बहुत देर हो गई यार, तुम लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हे, मैं तो बताना भूल ही गया, इस वीकेंड पे मैं और नित्या बाहर जा रहे हैं, मैंने ही बाहर डिनर करने का प्लान किया है, अगर तुम चाहो तो हमें अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो। क्या हुआ? ए सत्या, अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो हम उसके साथ टाइम पास करते, तेरे साथ इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करते। माशाल्लाह अच्छा है तेरा, जो करना है वो तो कर रहा है ना, नाटक करके क्या फायदा। चल ठीक है, बाय बाय। हाय डार्लिंग। ओ हेलो नित्या, नित्या। वन वीक डिले हो गया इसलिए लगता है मैडम नाराज है मुझसे। मैं क्यों नाराज रहूं? ऊपर से दिखावा कर रही हो, लेकिन इंतजार मेरा ही हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लम्बर का वेट कर रही थी। यू नो डियर, खूबसूरत लड़कियों को झूठ बोलना भी नहीं आता है। आजकल के लड़कों को तो लड़कियों की तारीफ करनी आती ही नहीं। तो फिर क्या आता है? मेरे पास मत आना, मैं पनिशमेंट दूंगी। पनिशमेंट दोगी? इन हाथों से दोगी या फिर इन होठों से? पास मत आना। आ गया तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं तो आऊंगा। मत आओ। ओपन योर आईज। वाओ, थैंक यू। थैंक्स नहीं चाहिए मुझे, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। दो मिनट में आती हूँ। ओके। Sometimes privacy needs to romance. अरे हे! हुआ तेरा दीवाना, बन गया तेरा परवाना, लिख रहा है इश्क वफा का ये अफसाना। क्या कहूँ समझ आए ना, बिन कहे रहा जाए ना, बोले बिन तुम भी की बातें समझो ना जाना। पत्ता पत्ता हर बूटा बूटा तुझसे कहता है जाने जा, दूर क्यों है दिल पर से अपने बाहों में आ जाना। मुझसे कहते हैं परवाई, होते हैं आशिक हर जाई, फिर भी प्यार पागल होके संग में तेरे आई जानम। दिल हुआ तेरा दीवाना, बन गया तेरा परवाना, लिख रहा है इश्क वफा का ये अफसाना। छुपके छुप छुप के तुझको ही देखती हूँ हर पल, पीछे
मीठे तेरे संग चलूं बेकल। जिंदगी तू बंदगी ये तेरी सादगी ओ जानम, मेरी आवारगी भी बन गई। मैं कले तो प्यासा भरा, मैं नदी तो सागर, ये मिलन न पता हो सागन गन मोहनम। आसमां को धरती से मिला दूं, दुनिया को मैं भुला दूं, एक तेरे सिवा कुछ ना मांगू, रब से ओ सनम, मेरे दिल हुआ तेरा दीवाना, बन गया तेरा परवाना, लिख रहा है इश्क वफा का ये अफसाना। जाना ये जाना ये जिंदगी कितनी हसीन है, पाया है तुझको मेरी जान। मैं भी दीवाने अनजाने थी अपने दिल से, खुद से हुआ है मेरा सामना। मस्त हो हम यूं ही खोकर संग रहे दीवाने, प्रेम का ये प्याला हमने पी लिया है अब तो। चाहतों के बारिश में मुझको भीगने दो सनम, अपनी वफाएं कुछ भी भर दो, तोड़ दो भरम, अब तू मेरा। बाय। हे नित्या। तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है नित्या। जब से तुम मुझे मिली हो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां मुझे मिल गई हो। प्यार में होते हैं तो हर लड़के का कॉमन डायलॉग यही होता है, प्यार में तो हर पल ऐसे ही रहेगा, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा असली रूप पता चलेगा। बाय सत्या। तुम वैसे नहीं हो। यहाँ छुपे थे। पूजा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। कॉल करती हूँ तो नॉट रीचेबल। कहाँ हो पूजा?
तो खाएगा क्या? और मैं नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, खुश लग रहे हैं? अरे सर की शादी नहीं हुई अब तक। लास्ट मंथ जो हमने ऐड की थी उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। क्लाइंट ने भी अप्रिशिएट किया है। आपके लिए मिठाई भेजी। इधर। अरे वहाँ गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जा उस भुक्कड़ को ही खिला दे। राजू फ्रेश है ना? ओके नेक्स्ट मंथ सैलरी बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ कैंटीन बना रहे हैं क्या सर? अबे तेरी तो हर्ष, अपनी नेक्स्ट एड फिल्म शूट के लिए अच्छे मॉडल्स चाहिए मुझे। पेपर में एड दे दो। ओके सर। ओके अरे राजू जाओ बुला रहे सर। वो मिर्चौक की है ना? हाँ है सर। वहाँ से सीधा जाएगा तो हाईटेक सिटी आएगी। हाँ आएगी सर। वहाँ से लेफ्ट घूम जाना। ओके सर घूम गया। आगे जाएगा तो फिर से रहजा माइंड स्पेस आएगा। अरे वो तो यही है ना सर। अरे उसमें ब्लॉक नंबर 4 के पीछे एक एटीएम मिलेगा, एसबीआई का एटीएम। काम की बात कीजिए ना सर। जल्दबाजी में उसमें मत चले जाना, बाजू की गली में जाना। वहाँ जाने पर वही राइट साइड में एक भजिया और वड़ा पाव की दुकान होगी। हाँ है सर। ये फालतू की एक्टिंग छोड़कर पहले वहाँ जा और 2 प्लेट भजिया लेकर आ। वो नॉर्मली सबको 1 पैकेट ही चटनी देता है। अपने एड एजेंसी का नाम लेना, 2 पैकेट चटनी देगा प्यार से। तू चुपचाप लेकर आ जाना। तुझे भी कुछ खाना होगा तो खा लेना, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा खर्च मत करना। जा बेकार का नाटक करता है, चल जा। सर रूपा कम टू माय केबिन। ओके सर। रूपा सर व्हाट अबाउट न्यू ड्रेस एड? यस सर एवरीथिंग इज रेडी, वी कैन गो फॉर शूट। वेरी गुड, थैंक यू सर। टेक दिस फाइल। हां सर। हाय नित्या। हेलो मामा जी, वेलकम होम। कम हैव अ सीट। कैसे हो मामा जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कॉफी लीजिए। हाँ देखो नित्या, दीदी और जीजू के गुजरने के बाद इस जायदाद की देखभाल मैं कर रहा हूँ। अब तुम बालिग हो गई हो, इसलिए आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, क्या कहती हो? ओके मामा जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे इस प्रॉपर्टी का तुम क्या करोगी नित्या? एक ट्रस्ट बनाकर अनाथों की, वृद्धों की मदद करना चाहती हूँ। पापा की भी यही तमन्ना थी, मम्मी डैडी का सपना पूरा करने। ये सारी दौलत मैं गरीबों में खर्च करूंगी, तभी तो मम्मी डैडी की आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। तुम फिर एक बार सोच लो नित्या। ठीक है नित्या, बरसों से तुम्हारी जायदाद संभाल रहा था, अब तुम्हें जिम्मेदारी सौंप के मैं मुक्त हो जाऊंगा। बहुत ही जल्द ऑफिशियली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। चलता हूं। नित्या बेहतर होगा तुम संभल कर रहो। ये क्या मामा जी, आप ऐसा कह रहे हैं? मुझे क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं बेटी, सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना, इसलिए कह रहा हूं। टेक केयर, बाय। ओके। नित्या। सत्या। सत्या नित्या, find me,
सत्या कहाँ हो तुम? सत्या प्लीज मजाक छोड़कर बाहर आओ सत्या। हेलो सत्या। हाँ नित्या बोलो। कहाँ हो तुम? मैं तो शहर से बहुत दूर हूँ, क्यों? कुछ भी नहीं, ऐसा लगा तुम यहाँ पर थे। क्यों? बेबी को बॉयफ्रेंड की यादें ज्यादा सताने लगी हैं क्या? प्लीज बी सीरियस सत्या। क्या हुआ नित्या, कोई प्रॉब्लम? मैं आऊँ क्या? अब बहुत देर हो गई है, मिडनाइट। नहीं तुम रिस्क मत लेना, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। सी यू टुमारो। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट, बाय। सत्या तो नहीं आया, फिर मुझे किसने पुकारा होगा? क्या बात है, हाथी बहुत खुश है आज। खूब चल के आया होगा। मैं तेरे क्या पास बात है, आज बहुत खुश हो भाई। बॉस को बिस्किट डाल के दो दिन की छुट्टी ले ली। बिस्किट्स तो तुझे ही कम पड़ता है। लास्ट का एक बचा था तो डाल दिया। सर 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 सर, अब गांव जा रहे हैं। सर बीच में सूर्या पेट आता है ना। एक मिनट, तुम खाने के बारे में बता रहे हो? हाँ सर। हाँ जरा एक मिनट रुकना। हाँ भाई बोलो। सर सूर्या पेट जाएंगे ना? सर सूर्या पेट जाऊंगा। फिर सूर्या पेट से 10 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद लेफ्ट घूमते ही घूम गया। लेफ्ट घूमते ही वहाँ शांति धाबा है सर। चल वो भी मिल गया। वहाँ खाना कितना मस्त मिलता है सर, सुपर सर। सर दाल में देसी घी डाल के खाएंगे ना सर, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर। इतना अच्छा खाना है सर। और बिरयानी सर, वाह मजा आ गया। बिरयानी सर, लेग पीस सर, चिकन फ्राई सर, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे सर, आप भूल नहीं पाएंगे सर। मैं रुकूंगा सर, डोंट मिस इट सर, जरूर खाना वहां जाकर। अरे रुक यार, उस पे तुझे क्यों प्यार आ रहा था? ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो ढाबा मेरी दीदी का है, धंधा थोड़ा मंदा है ये सर। वहाँ जाकर खाएंगे तो धंधा जोरों से चालू हो जाएगा सर। नित्या, 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 अंधेरे में छुप क्या रही हो नित्या? नित्या, नित्या, सत्या तुम हो, यहाँ कब आए? मुझे यहाँ आए तो थोड़ी ही देर हुआ है, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? कितना बुलाया, सुना भी नहीं? सुनाई नहीं दिया। जब से नित्या उस घर में आई है तब से बहुत डिस्टर्ब रहती है यार। नित्या बचपन में ही उसके पेरेंट्स से दूर हो गई, अभी वो अकेले ही रहती है, इसलिए ऐसी होगी, क्यों नहीं समझते हो? ए सत्या, नित्या की बहुत छोटी सी दुनिया है और अब उसकी दुनिया और भी छोटी हो गई है, और उसकी दुनिया में सिर्फ तुम अकेले हो, तुम ही सब कुछ हो। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, उसके पसंदीदा प्लेस पे ले जाके खुशी से वक्त बिताओगे ना तो उसे भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। तुम जरा सोचो। Hmm.
बाय बाय कमला, संभल के जाइएगा। हाँ ठीक है। इस वक्त अगर किसी शायर की नजर तुम पे पड़ जाती तो वो तुम्हारी खूबसूरती की डिस्क्रिप्शन और तुम्हारी हंसी की खुशी में डेफिनेशन ढूंढ ही लेता। क्रिएटिविटी बहुत यूज कर रहे हो, क्यों, किस चाहिए? ये सब फेसबुक में हो तो बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, मुझे पटाना मुश्किल है। चल चल। Hey, careful! Yay! Woo! Wow, superb! Hey, sambhal ke! Hey! ये क्या क्या हुआ सत्या? लेट मी सी। अचानक किसी क्या हो गया? क्या हुआ सत्या? कार ब्रेक डाउन हो गई है। रुको मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों? एक काम करते हैं, हम बिना गाड़ी के ही जाते हैं। प्लीज 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 सत्या। जैसा तुम चाहो। ओ थैंक यू। सुनिए, आओ, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आओ आओ, जल्दी आओ। लक्ष्मी, मैंने तुमसे एक बात छिपाई, रात को शराब पी। मैं जानती हूँ जी, हमेशा मेहनत करते रहते हैं आप, कभी कभी ये चलता है जी। सत्या, सभी मौज मस्ती के लिए पीते हैं, लेकिन आप उन लोगों जैसे नहीं हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो मेरा दर्द समझती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हमने प्यार करके शादी की है, इतना भी नहीं समझूंगी तो कैसे चलेगा? मैं खा लूंगा लक्ष्मी। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, मुझे इतनी सी सेवा तो करने दो ना। सत्या, पार्क्स में, डिस्को में, मॉल्स में लव स्टोरीज को हमने बहुत देखा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना, वो है सच्चा प्यार। सत्या, I'm so tired। मेरी भी हालत कुछ वैसी ही है। थक गई हूँ, मुझे उठा लो ना। हाँ? चलने से किक मिलेगी ना, बहुत मजा आएगा। इतनी जल्दी बैटरी डाउन हो गई? हे चल। हे, मजाक किया मैंने यार। हे, थैंक यू। अच्छा बताओ, लड़कों को 15 किलो का सिलेंडर उठाने में तकलीफ होती है, लेकिन 50 किलो की लड़कियों को आसानी से उठा लेते हैं, कैसे सत्या? सच बताऊं, दिल में अगर प्यार हो तो लड़कियों का वजन बिल्कुल भी नहीं लगता, वो चाहे 15 किलो हो या 50 किलो या फिर 150 किलो। Thank you.
चंचली दिल में करके खलबली कहाँ चली ये तो बता दे दिल से दिल को जोड़ दे अपनी लहर छोड़ दे कहीं ले जा मुझको बहा के कोई भी राह तेरी रोक न पाए तुझे सागर बुलाए बाह फैलाए पिया मिलने को चली एक दीवानी झरझर करता कल कल करता नीर ये तेरा गाए भोरी नदी मन चली दिल में करके खलबली कहाँ चली ये तो बता दे दिल से दिल को जोड़ दे अपनी लहर छोड़ दे कहीं ले जा मुझको बहा के भरी भरी धरा ऊपर नीला आसमान है और इसके बीच अपना सुंदर सा जहान है चारों दिशाओं में है फैली फैली हरियाली नाच मन का मयूरा आई देखो खुशहाली सुनो इन वादियों में गूंजत सरगम मेरा मन कह रहा है वक्त ठहर जाए यही जिंदगी सारी यही बीत जाए रे सपना टूटे नहीं प्यार में जो देखा है यूं ही रहे पास मेरे दूर कभी जाए न तू ओरी नदी मन चली दिल में करके खलबली कहां चली ये तो बता दे जोड़ दे अपनी लहर छोड़ दे कहीं ले जा मुझको बहा के गेस्ट हाउस के वॉचमैन तुम ही हो ना ये लो फॉरेस्ट में गेस्ट हाउस अच्छा बना है काफी अच्छा है सुनो बाबू खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या ला सकते हो क्या ठीक है जाके लेके आओ
थैंक्स। थैंक्स बोल के मुझसे भागना चाहती हो क्या? आज के लिए तो काफी है। hey! Wow, it's beautiful. Yay! अभी तो सो रहा होगा, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। नित्या क्या हुआ? What happened? कुकु नित्या, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। Don't worry, everything will be fine. I'm with you, Nitya. ठीक है, जाके रेस्ट करो। जाओ।
Hey Nitya, tell me. Hello, hello Satya. Nitya. मुझे बहुत डर लग रहा है. Hey. तुम जल्दी आ जाओ. What happened? तुम बस आ जाओ सत्य. I'm coming. प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ. यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है और कितने दिन मैं यहाँ रहूँ. प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ. प्लीज क्या हुआ इसे? ए सत्या, तू नित्या को डिप्रेशन से बाहर लाने वाला था मगर तू खुद डिप्रेस लग रहा है. उस दिन फॉरेस्ट में नित्या पे अटैक करने वाला और अब नित्या को सताने वाला एक ही है क्या? पता नहीं यार, मुझे तो ये सब एक मिस्ट्री लग रही है. Something is wrong. इसका एक ही सलूशन है यार. वो कौन है, क्या चाहता है, अगर तुझे जानना है तो तुझे नित्या के पास रहना चाहिए. हाँ सत्या, नित्या को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए. तुम उसके साथ रहोगे तो उस पर कौन अटैक कर रहा है, किस लिए अटैक कर रहा है, सब कुछ जान सकोगे. तुम लोग सच कह रहे हो यार, मुझे नित्या के साथ ही रहना होगा और क्या हो रहा है ये जानना होगा. We have to. सत्या. नित्या. नित्या, मुझे छोटा सा काम है, मैं फ्रेश होके आता हूँ. डिनर? As you wish. पिज़्ज़ा? ओके. हमेशा तुम काम क्यों करते रहते हो? इस लैपटॉप से ही शादी कर लो, मेरी क्या जरूरत है. हे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी रोमांटिक स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, आंसर देना होगा. ठीक है ना? ठीक है, शुरू हो जाओ.
एक जंगल में एक तितली रहती है। वो तितली एक दिन एक फूल के पास जाकर उस फूल के रस को चुराने की कोशिश करती है। जब वो फूल अपनी पंखुड़ियों को बंद करके पहले मुझे कोई गिफ्ट दो तभी तुम मेरे रस को चुरा सकती हो कहती है। जो चाहिए मांग लो, तितलियों से ऐसा कहती है। मेरे दिल में क्या है पता लगाकर मुझे वो गिफ्ट दे दो, फूल ने ऐसी शर्त रखी तितली के सामने। तब वो तितली जंगल में सबके पास जाकर आखिर में फूल के दिल में क्या है पता लगाकर आखिर में वो फूल को उसकी पसंद का गिफ्ट देती है और फिर वो उसके रस को चुरा लेती है। तो तितली ने फूल को क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट। कैसा लगा तितली को फूल का दिया हुआ गिफ्ट? हे नित्या, रुको ना। नहीं सोचा पीछे न मुड़ के देखा इश्क का बन के झुका तुझसे लिपटने लगा। मेरे दिल में जानू सांसों की इस गर्मी को तो गर्मी को छोड़ो अगन जले आजा रहा जाए ना लग जा अब गले मेरी ये हालत है ये ही चाहत है कुछ मैं समा जाऊं और तू मुझ में संग में तेरे ही रंग में मैं जा तू जिसको भूल पाऊं ना
तेरी ख्वाहिशों को दिल कहता है करूं पूरी, खुद में यूं मिला लो तुम दादो दूरियां मेरी आँखों में देखो ये भी कराने करा कब तक यूं ही इंतजार रह जाए ना मुझको दे गया धोखा मिलते ही मौका कुछ पे मरने लगा। डोर खोलने में इतना वक्त? नित्या डिनर हुआ क्या? नित्या ए नित्या क्या हुआ? सत्या तुम अभी तक मेरे साथ ही थे ना यहाँ? मैं तुम्हारे साथ कहाँ था? मैं तो अभी आ रहा हूँ। नहीं सत्या, बहुत देर से मेरे साथ नहीं थे, मुझसे बातें कर रहे थे और अब तुम उससे मजाक कर रहे हो। सच बताओ सत्या। ए नित्या कूल, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ही तुम्हारे साथ था। ओके अब खुश? कितना डर गई थी मैं पता है, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है फ्रेश हो जाओ, डिनर करते हैं। ओके बहुत देर से मेरे साथ नहीं थे, मुझसे बातें कर रहे थे और अब तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सच बताओ सत्या। तो फिर उस वक्त नित्या के पास कौन था? आई थिंक नित्या इज इन डेंजर। उस घर में तुमने किसी और को देखा क्या? नहीं यार, कोई नहीं दिखाई दिया। मुझे लग रहा है नित्या अपने आप को खो रही है। यू डोंट वरी यार, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। भूत और भगवान पे तुम यकीन नहीं करते, एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरी पहचान का एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है, उससे मिलेंगे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा। कल ही उससे मिलके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तू टेंशन मत ले यार, एवरीथिंग विल बी ओके। ओह माय गॉड पूजा, हाउ आर यू? या फाइन, आ जा। ओके सडन सरप्राइज, कहाँ थे यार तू? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया पता है, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। तेरा भी, बहुत कोशिश करने के बाद तेरा एड्रेस मिला। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना। आई एम हैप्पी, ब्यूटीफुल हाउस। कुछ दिन पहले ही आई हूँ, चलो घर दिखाती हूँ। क्या बात है, बहुत स्लिम लग रही हो। मेरे नए बॉयफ्रेंड का एरोबिक सेंटर है, उसका इफेक्ट है ये। और वो अशोक उसके साथ भी कंटिन्यू है। दो दो बॉयफ्रेंड? हाँ, ऐसा क्यों यार? स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करके कोई सिटी बैंक का अकाउंट क्लोज करता है क्या? बताओ। ओहो, तुम बिल्कुल नहीं बदली यार। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। हाय सर। हेलो सूर्या, कम। हाय सर। हाय, ही इज माय फ्रेंड सत्या। हेलो सर। सत्या,
एंड ही इज सिद्धू। हाय सर। हेलो। हाँ सत्या, सूर्या ने तुम्हारे बारे में बताया था, प्रॉब्लम क्या है बताओ। एक्चुअली नित्या बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल गर्ल है सर। सत्या, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रॉब्लम क्या हुई होगी पता लगाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या ओके, बाय सर। सत्या। हाँ। मैं एक बार तुम्हारे घर आना चाहूंगा। श्योर सर। वेरी सून सी यू। बाय सर। सत्या, इस मीटिंग के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लगता है अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। अब मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, एक क्लाइंट से मिलना है। ठीक है जा। बाय 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 बाय। हाय सत्या। हाय सर। हाय सर। हाय। हाय सर। तुम लोग यहाँ कैसे? थोड़ा काम से आए थे सर। कोई बात नहीं सत्या, फोन पे बात करते हैं, हो सके तो वीकेंड पे मिलते हैं। ओके सर। सी यू। या बाय। बाय सर। यार डर के मारे जान निकाल दी, वैसे ही हॉरर मूवी देख रही थी। डर किस बात का? सरप्राइज दे रही थी। सरप्राइज के चक्कर में जान जाएगी मेरी। चलो ऊपर चलते हैं। क्या नित्या, अब तक तूने हॉरर मूवी देखना नहीं छोड़ा? हाँ पता नहीं, इस बीच में रिसर्च के चक्कर में पढ़कर मूवी देखना ही भूल गई हूँ, इसलिए तेरे आने से पहले उस मूवी को देखना शुरू कर दिया था। इतने में तुम आ गई। तुझे तो मैं वैसे इतनी रात को तुम अचानक क्यों आई? वो भी बिना बताए मना है। कॉल करती हूँ तो कनेक्ट नहीं होता है, कब आती हूँ कब जाती हूँ तुम्हें खुद नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुझे पता है आजकल मैं एक इंग्लिश नॉवल पढ़ रही हूँ, वो बहुत थ्रिलिंग कहानी है। पता है कल जब मैं वो बुक पढ़ रही थी मैं इतना डर गई थी। पूजा कहाँ हो तुम? पूजा 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 पूजा
पूजा, मैं हूं ना तेरे साथ। रुक, ये ले, ये पानी पी ले। रिलैक्स नित्या, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं यार, मैं जस्ट वॉशरूम गई थी। क्या हुआ, तू इतना क्यों डर रही है? कोई तो मुझे, कौन वो मास्क में? कोई नहीं है, चल चल कर देखते हैं। कहाँ देखा था, दिखा मुझे। चल आ जा। यही देखा था मैंने। कहाँ यार? यहाँ देख, कोई नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं है, देख। हेलो, हाँ क्या? ओके, ऐसा क्या? हाँ मैं अभी आती हूँ।
एनी क्लू सर? आई टेल यू, बताता हूँ। टेक दिस सर। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। सूर्या। नाइस। थैंक्स। एवरीथिंग सीम्स टू बी नाइस। वैसे उस फोटो में वो लड़की कौन है? शी इज पूजा, माय क्लोज फ्रेंड। ओके। बहुत सालों के बाद फिर से नित्या उससे मिली है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं। ओके सर। क्लाइंट की मीटिंग अरेंज हुई क्या? यस सर, हो गई। क्या बात है, सब बहुत डल लग रहे हो। वर्क प्रेशर सर। प्रेशर? वर्क नहीं, वर्कआउट करो, कल से सब लोग जिम जाना। हाँ, ओके सर। हेलो, ग्रांड रोड से। बहुत अच्छा किया फोन किया, मैं बहुत टेंशन में था। कहाँ पर? ग्रांड रोड की बात कर रहा है। कितने की है? ओहो, बहुत कम है यार। अरे तू मेरी भी बात कर रहा है यार। अरे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे वीकेंड में आने का प्लान बनाता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। ग्रैंड में हम दोनों भी आए क्या? कितने लोग भी जा सकते हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं यार, खुश कर दिया यार। कहाँ पर? सेंटर में। क्या बात है यार, एक का क्या रेट है? कितना भी खाओ प्लेट का 15 रुपए है। कैसा प्लेट यार? गोलगप्पे। गोलगप्पे तेरी तो साला भूख कहीं का। गोलगप्पे खाने का हो जाएगा तेरी तो ना मोटे। नित्या, क्या हुआ? क्या हुआ नित्या? कोई ना, कोई नहीं है नित्या। ये लो पानी पियो, रिलैक्स। कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। रिलैक्स नित्या, तुम मेरे पास रहोगे ना? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम सो जाओ, डोंट वरी। लड़के लड़के मैं हूँ लड़के, सबके दिल में करो खलबली, खोल के अपने दिल के खिड़की दिल में छुपाने चली। लड़के लड़के मैं हूँ लड़के, सबके दिल में करो खलबली, खोल के अपने दिल के खिड़की दिल में छुपाने चली। मेरे मन की इस धुन की कोई बात है चाहत की, मैं हूँ हल्की जरा हिल की जन्नत की मैंने की।
are all the for you. हाँ, we are all the for you. ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू वी आर ऑल द फॉर यू हाँ वी आर ऑल द फॉर यू ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू चाल है मेरी आती है मेरी अदा पंजे से मक्खन मेरा तुलसे घटा मासूम मुझे ना कहना मैं तो मेरी छुरी ड्यूटी ये टूटी टूटी हूँ जैसे परी जो मेरा दिल लेगा होगा कोई वो दिल वाला चावी से इश्क दी खोले ताला We are all the for you हाँ We are all the for you ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू We are all the for you हाँ We are all the for you ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू Hang on the party mode and swing your hands and say yo. Let's show the rhythm and the groove, come on, let's go. Let's all together make some fun and nice right now. The night's still young, come on, yo, yo. कोई ना कोई मेरा वर्जन लोगे कितने हाँ ऑप्शन ना लिमिटेशन कर दूर सभी के टेंशन दूर का टेंपरेशन मेरा रोमांस के लिए फुल प्रिपरेशन आंखें मेरी बातें मेरी करती है जादू जो देखे हो जाए बेकाबू वो We are all the for you हाँ We are all the for you ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू We are all the for you हाँ We are all the for you ये शॉर्ट ड्रेस ये क्यूट फेस माय डियर ओनली फॉर यू जी हाँ सर सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है सर ओके सर ओके सर तुम यहाँ कैसे सत्या यहाँ क्या कर रहे हो मैं तो ताजी हवा लेने आया था यहाँ और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं नींद नहीं आ रही थी ठीक है तुम जाके सो जाओ मुझे थोड़ा काम है
क्या हुआ? बाहर वो ब्लैक मास्क में। डरो मत नित्या, मैं हूं ना। नहीं, वहां कोई है। मैं हूं ना, मैं देखता हूं कौन। सत्या कहाँ हो? सत्या आ जाओ, सत्या मुझे बहुत डर लग रहा है। सत्या जल्दी आओ, सत्या मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। सूर्या तुम हो? Oh!
सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। सत्य, तुम भी। सच का पता चल गया तुम्हें। पैसा दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पैसा है। ये पैसा किसी से कुछ भी करवा सकता है। मेरे हाथों तुझे मरवा भी यही रहा है। पैसों की खातिर मेरी जान ले लोगे क्या? हाँ, टाइम वेस्ट मत करो बेबी, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। Thank you.
अभी वीडियो देखा ना? असल में नित्या को क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। इसे हम कार्टोग्राफिक फिनामिना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। यह डिसऑर्डर आने के लिए पर्टिकुलर रीजन कुछ भी नहीं होता, कैसे भी आ सकता है। नित्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि नित्या का पूरा बचपन बहुत अकेले में गुजरा है, इसीलिए वो इमोशनल बन गई थी। कोई भी छोटी सी भी बात वो बहुत ही इंटेंसिव, सेंसिटिव और डीपली फील करती थी। ऐसी फील की हुई बातों को एक्सपीरियंस की तरह वो रियल समझती थी। उसी को हम कार्टोग्राफिक फिनामिना डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे डिसऑर्डर वाले लोगों का कुछ भी सुनना, उनका पढ़ना, उनका देखना और उसी के बारे में डीपली सोचकर उसी का एक्सपीरियंस करते हैं। देखो सत्या, उसके साथ बीते हुए सारे एक्सपीरियंस को तुमने मेरे साथ शेयर किया। फॉरेस्ट में नित्या पर अटैक होना, रात में उसका बाहर आकर किसी के साथ बातें करना और एक दिन तुम्हारे घर आते अभी तक तो तुम मेरे साथ ही थे ना ये पूछना, ये सारी बातें ये डिसऑर्डर की ही निशानी है। काउंसलिंग के मुताबिक उस घर में क्या चल रहा है पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाया, तुमसे नित्या को भूत की कहानी सुनाने के लिए कहा, पैसों की खातिर प्यार करने वाला लड़का उसके साथ मिलकर प्रेमिका की जान ले ली कहकर उस कहानी ने नित्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। बस एज इट इज उसने उस कैरेक्टर को फील करना शुरू कर दिया। आखिर वही हुआ। लेट मी शो यू समथिंग। पहली बार 1972 में ब्राजील में एक लेडी ने इस प्रॉब्लम को फेस किया था, जबकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके बहुत थियरीज लिखे। आखिर में 2004 में उनके गुजर जाने के बाद उनको जो था कार्टोग्राफिक फिनामिना डिसऑर्डर कहकर सारी दुनिया को पता चला। ये डिसऑर्डर थोड़ा एडवांस स्टेज पर जाएगा तो उसका सिजाइड डिसऑर्डर में तब्दील होने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो नित्या कौन सी स्टोरी, कौन सी कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करेगी, उस स्टोरी से ही, उस कैरेक्टर से ही लाइफ लॉन्ग जर्नी करने का खतरा है। ऐसे माहौल में नित्या ऑलरेडी दो कदम डाल चुकी है। ऐसा डिसऑर्डर जिसको भी है
उन्हें कुछ अनुभव याद रहते हैं, कुछ अनुभव याद नहीं रहते। खास करके नींद में होने वाले अनुभव याद नहीं रहते। नित्या ने अब तक दो कैरेक्टर के साथ जर्नी स्टार्ट किया है। पहला है उसके सपनों में आने वाला ब्लैक मास कैरेक्टर, और दूसरा उसकी फ्रेंड पूजा। उस दिन घर में फोटो देखने के बाद उस लड़की के बारे में मैंने इंक्वायरी की। एक साल पहले ही वो लड़की एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी, ये पता चला। ब्लैक मास कैरेक्टर, उसकी फ्रेंड पूजा, एक्चुअल में जो नहीं है उन दो कैरेक्टर्स के साथ नित्या जर्नी कर रही है। ये प्रॉब्लम और ज्यादा होने से पहले ही हमें होशियारी बरतनी होगी। आओ बैठो। अब क्या करें डॉक्टर? कुछ दिन नित्या को अकेले में सोचने का चांस दिए बिना देखना होगा। मतलब? कुछ नहीं सत्या, सिंपल। उसे इमोशनली सेंसिटिवली सोचने के लिए बिल्कुल भी स्कोप मत देना। उसकी जिंदगी में हर पल तुम्हें ही रहना होगा, हर पल नित्या को खुश रखना होगा। इससे बेहतर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा करने से नित्या ठीक हो जाएगी? डेफिनेटली, देयर इज अ स्कोप। ऐसे अगर तुम तुम्हारी लाइफ का प्लान करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं नित्या की जिंदगी में हर पल रहने की कोशिश करूंगा। गुड, एनी टाइम एनी हेल्प प्लीज कॉल मी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे कितनी देर लगाओगे, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ यार। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई और ये हैप्पीली सेटल्ड हो गए। सही कहा। हाय मामा जी। हाय नित्या। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी नित्या, एयरपोर्ट पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं मामा जी। और कैसे चल रहा है? ओह कूल मामा जी। ओके, मुझे अर्जेंट काम से मुंबई जाना पड़ रहा है, आने के बाद मिलता हूँ तुम्हें। ओके। अच्छा नित्या, तेरी पसंद का प्रोग्राम करने के लिए ट्रस्ट का इंतजाम कर रहा हूँ, गो अहेड। थैंक यू मामा जी। All the best. Hey, Hello Satya. Hi sir. Hi sir. But hi sir. Everybody seems to be very happy. इस खुशी का कारण आप ही हैं sir. Thank you so much sir. Hey, come on man. It's okay. It's my job. Anyway, how are you Nitya? I'm absolutely fine sir. Anyway, all the best for your future life. Thank you so much sir.